मेरे मेरे पिताजी का आवाज निकालो। तुमको अब आगे बढ़ना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, समझ गए? बिहार का नाम रोशन करो। अब पेड़ लगाना, पेड़ अपने घर में, पेड़ को बचाना है। मैंने नानी का पेड़ लगाया है। हाँ तो पेड़ को बचाना है, उसको लगाओ, पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ और तुम भी लगाओ पेड़। पर्यावरण का, पर्यावरण बचा रहेगा तभी ना हम लोग बचे रहेंगे। अब पर्यावरण नहीं रहेगा तो फिर हम लोग रहोगे क्या करेंगे, इसलिए पर्यावरण का बचना जरूरी है। इसीलिए भैया का सुबह में भी बोला है, पेड़ काट दिया है तो धूप कैसे, धूप में छांव कैसे आएगा। हां ये बात सही, पेड़ नहीं काटना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ से कपड़ा मिल रहा है। हाँ पेड़ से ऑक्सीजन आता है, नीम से आता है, पीपल से आता है, ये सब पेड़ लगाना चाहिए, ठीक ना? और पेड़ से हमें, जैसे कि मैं अगर आम का पेड़ लगाऊंगा, देखिए आम का पेड़ खाऊंगा, फिर आंटी जो होता है उसको वो लगाऊंगा, फिर खाऊंगा, फिर लगाऊंगा, फिर खाऊंगा, ऐसे करते रहेगा तो पेड़ बहुत होगा। मेरे मेरे पिताजी का आवाज निकालो। हां मैं डॉक्टर, मेरा जो फेमस हुआ था डायलॉग, कला कला कर सुनने में धक्का बलम कर कटा चला, हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। अटल बिहारी जी का है, जब तब लगेगा ढिन ढिन एक अन मिटेगा ढिन ढिन, हम रोबोट चल जाएगा फोटो। बिहार में मोदी ने बोला कि पता नहीं मुजफ्फरपुर पता नहीं एयरपोर्ट पे हवाई जहाज उड़ा रहे थे, आप जाकर देखो, जाकर देखो वहाँ पर हवाई जहाज नहीं उतर रहा है, ऊपर जंगल हो गया है, भंसी लोग उतर रहा है, इसीलिए कहते हैं आपका सरकार बढ़िया रखना है तो काम करो, नहीं तो हमारा सरकार लोग हम आएंगे तो एरोप्लेन का सब कुछ उठा देंगे वहाँ पर, और आएंगे तो बिहार को चमका देंगे चक चक, हमारा दिल्ली, हमारा बिहार से लेकर दिल्ली तक सरकार चलेगा, और कहना चाहता हूँ हमारा 7 बेटी और 2 बेटा, लालू और अब 11.5 से गुना कर दो, 1 करोड़ का रखोगे बस के चाहते रहते हैं। यही सपोर्ट अपने के चाहिए। मेरा पूरा सपोर्ट है तभी ना इसको बुलाया है।